चाचा शिवपाल को लेकर सपा पार्टी क्या कर सकती है बड़ा बदलाव। चाचा शिवपाल की नाराजगी का पूरा सच। चाचा ने क्यों कहा पदिया सीट नहीं, पार्टी ही मेरे लिए सर्वोच्च। सपा पर कैसे करे एतबार जब चाचा को ही नहीं दे पा रहे कोई पद या स्वाभिमान। अब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल एक हो चुके हैं तो चाचा शिवपाल को भी सपा पार्टी में कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, और ऐसा ही वादा अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को अपने साथ मिलाने के समय किया था। लेकिन समय बीतने के साथ ही अखिलेश की कही ये बात पुरानी होती जा रही है और चाचा को कोई पद नहीं मिल रहा है। जहां एक और लोग कयास लगा रहे थे कि चाचा को कोई पद ना मिलने के कारण चाचा सपा पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाचा ने एक बयान जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पार्टी सर्वोच्च है, कोई पद नहीं। आइए हम संपूर्ण खबर को सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, पद मिले या ना मिले आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इनका, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला था। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्षी दल रह चुका हूं और साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं है। वहीं चाचा ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो ठीक से निभाएंगे, अगर कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिली तब भी वो संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो पद को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। वहीं इसके साथ शिवपाल ने कहा कि सपा हमारी पार्टी है, नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, इसीलिए पद मिले या ना मिले मैं आजीवन इसी में रहूंगा। शिवपाल यादव से जब ये पूछा गया कि उन्हें नेता विपक्षी दल बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन 2 हफ्ते बाद भी अखिलेश यादव ने इसका ऐलान नहीं किया, तो शिवपाल ने कहा कि वो पहले भी नेता विरोधी दल रह चुके हैं, इस वक्त अखिलेश इस भूमिका को निभा रहे हैं और अच्छे से एवं बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद पाना ही सब कुछ नहीं होता, वो निकल पड़े हैं तो पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ज्ञात है कि सपा विधायक शिवपाल यादव मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना के दिन अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया था। उस दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा शिवपाल यादव को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि कई हफ्ते का वक्त गुजर जाने के बावजूद अखिलेश यादव ने अभी शिवपाल की भूमिका साफ नहीं की है, वहीं शिवपाल यादव को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसके कारण ही लोग ये कयास लगा रहे हैं कि चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूं। नेता और खैर देखिए, अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए, असली काम होता है पार्टी में संगठन, संगठन असली काम होता है।